हेलो दोस्तों, इस बारे में बताने वाला हूँ कि जैसे कि प्रीवियसली हम लोगों ने ये तीनों को हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, ब्लू एंड रेड एंड ग्रीन वाले को। अभी ये बीच में जो येलो कलर के जो डेड बॉडी है, इसको हम लोग कैसे मॉडल करेंगे ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और आपको ये जानना है कि ये कैसे करते हैं। ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। pixany.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्स्चर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। किसी भी एक शेप को हम लोग लेते हैं, किसी वन शेप को, जैसे इसी शेप को लेते हैं। शेप को इधर पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर इसको मैं का अनग्रुप करता हूँ। इसके ये जो पार्ट है इसको कर लेता हूँ गायब। तो ये इतना चीज़ हमारा हो गया गायब। अभी इसके अंदर मैं इसको हाफ से कटअप करूँगा। कटूँगा कैसे, तो मैं इधर पे यूज़ कर सकता हूँ अपना स्लाइस या फिर स्लाइस। यस, स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस हमारे लिए बेस्ट रहेगा। स्लाइस को लिया, स्लाइस के ज़रिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेता हूँ, जहाँ से मेरे को काटना है उसको, सेंटर से, यहाँ से। एंड टॉप वाला पार्ट गायब और बैक भी गायब हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा इतना आधा। अभी इसको मैं सॉरी तो सिलेक्ट करते हैं। अभी इसको मुझे यहाँ पर अंदर ड्रॉ करना है कुछ। ड्रॉ मीन्स इसको मुझे इसके जो स्मूथनेस है उसको मुझे करना है कम, जैसे मैं बाद में ही बढ़ा भी सकता हूँ। तो अभी करते हैं हम लोग मैश स्मूथ पे करते हैं 8A पॉली। स्लाइस देने के बाद, 8A पॉली करने के बाद फिर अभी यहाँ पर देख सकते हो क्या आ गया हमारे पास ये शेप। तो इस शेप को मैं कर दूँगा ऐसे कुछ अंदर की तरफ, NX Max Tool दिस। थोड़ा सा हमें मैन्युअली करना होगा तो बेटर रहेगा। तो फिर से एक और एक्सट्रूड ले लेते हैं, वन मोर एक्सट्रूड। तो करते हैं नीचे की तरफ एक्सट्रूड, नीचे से इधर पे हम लोग कर देंगे इसको कैप। हो गया, तो बिग इशू। तो हम लोग कर देंगे ब्राउन, ब्राउन टेक्सचर दे देंगे अलग से। ब्राउन टेक्सचर मीन्स हम लोग जैसे कि आप देखते हैं एमंग अस में किल बॉडी जो रहती है ऐसे कुछ रहती है, इस तरह से, इस तरह से, या फिर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुछ करना होगा, इस तरह से कुछ बनाना होगा। तो फिर अभी इसके अंदर मेरे को यहाँ पर कुछ हड्डी टाइप का कुछ क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए मुझे एक हड्डी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ले सकते हैं सर्कल है, ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा हो गया, रेडियस कम कर लेते हैं, फिर ऊपर कर लेते हैं लाइक दिस। ये ऐसे और ऐसे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इधर पे ले सकता हूँ अपना स्फीयर, का सेगमेंट हम लोग बढ़ा लेते हैं। एक स्पेयर को मैं करूंगा छोटा से, परफेक्ट ऐसा, ओवरऑल साइज छोटा।
सा बीच में कैसा होता है ना, हड्डियों के बीच में अपन होता है, तो उसको हम लोग को टेम्पर करना पड़ेगा। टेपर 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 थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं। फाइनली वो करेंगे हम लोग वाइट कलर, वाइट मटेरियल देंगे, पूरा एक ग्रुप कर लेते हैं पहले वाइट और थोड़ा हल्का सा शाइनीनेस, वाइट और शाइन। अंदर का पार्ट जो होगा थोड़ा डार्क में रहेगा, तो उसको तो मैं अलग से डिटैच कर लेता हूँ। डिटैच करने के बाद उसको मैं अंदर का पार्ट डार्क ब्राउन रख सकते हैं हम लोग। काफ़ी है वो, तो कर लेते हैं हम लोग उस फिर एक और चीज़ हमें करना चाहिए जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ऊन टाइप ऐसा कुछ कुछ। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ, इसको मैं कर तो हल्का सा एक्सट्रूड करना है, ज़्यादा बड़ा एक्सट्रूड नहीं, थोड़ा सा एक्सट्रूड चाहिए। 0.1 भी रहेगा 0.5 भी रहेगा तब भी चलता हूँ। तो भी मैं करता हूँ रेड रेड कलर, रेड कलर रेड कलर रखेंगे इसको, डार्क रेड, रेड में भी डार्क रेड। अभी इसको जो ये हम लोग ने इसका जो मटेरियल दिया था तो मैं अलग मटेरियल देता हूँ, नहीं तो क्या है कि मिक्स हो रहा है, तो मैं दे देता हूँ ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, देता हूँ येलो, अभी मैं इसको
ये सही है, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अब इसको मैं रेंडर करके दिखाता हूँ कि अभी कैसा दिख रहा है, किस तरह से नज़र आ रहा है हमें। थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा मेरे को चीज करनी होगी, जैसा नज़र नहीं आ रहा ना। रेडिश और होना चाहिए इसको, खेल को और भी ज़्यादा रेडिश करना होगा, डार्क रेड। ब्लडी लगना चाहिए ना, ठीक थोड़ा सा ये होना चाहिए हीरो। वन कुछ याद हो रहा है, एक मिनट इसको। गैप बच रहा है थोड़ा सा, वो थोड़ा अजीब लग रहा है। गैप नहीं रहना चाहिए, थोड़ा परफेक्ट है। थोड़ा ओके, तो फिर हमने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि आप जान सके कि इस तरह से हम लोग मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, इस तरह की मॉडलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस तरह से ये जैसे मैंने इधर पे टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग किया हूँ, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं ये जान सके। ओके ठीक है, तो फिर अगर आपको 3D मॉडल चाहिए अच्छी क्वालिटी के, तो फिर आप pixelani.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे 3D मॉडल वहाँ पर आप ले सकते हैं, बहुत लो प्राइस पे अपने 3D मॉडल को और भी अच्छे से सजा सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।